हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। अब ये डिवीजन क्या होता है? तो बच्चों, रिया और सिया, ठीक है, रिया एंड सिया क्या है? सिस्टर है, बहने हैं, ठीक है। तो उनके पापा उनके लिए क्या लेके आते? ऑरेंज। कितना ऑरेंज? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो रिया और सिया के पापा उनके लिए 6 ऑरेंजेस लेके आते हैं। तो अब रिया और सिया को हमें क्या करना है? ऑरेंज बांटना है, ठीक है, इक्वल, ठीक है। हम बोलते हैं ना, एक भाग में मतलब कि बराबर उनमें बांटना है ऑरेंजेस। तो क्या करेंगे हम? रिया के पापा क्या करेंगे? रिया और सिया के पापा, तो रिया और सिया के पापा क्या करेंगे? 3 ऑरेंज जो है वो रिया को देंगे, 3 ऑरेंज रिया को देंगे, और सिया को क्या करेंगे? सिया को 3 ऑरेंज देंगे, ठीक है। देखो, अब इक्वल हुआ ना, 3 + 3 कितना होता है? 6 ऑरेंज होता है। तो देखो इसमें क्या हुआ, बराबर बांटा ना उनके पापा ने, तो इसी बांटने को क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं, ठीक है। रिया और सिया के पापा 6 ऑरेंज लेके आए थे, फिर उनमें से 3 ऑरेंज रिया को दिया, 3 ऑरेंज सिया को दिया, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं डिवीजन। डिवीजन यानी बांटना, बराबर में बांटने को हम क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। तो बच्चों, जो डिवीजन होता है ना, डिवीजन का साइन हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। ये एक लाइन, ऊपर एक बिंदु, नीचे एक बिंदु, ठीक है। तो जब भी आप लोग ये साइन देखोगे, यानी आपको क्या करना है? डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे कितना था? 6 ऑरेंज, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक है। 6 ऑरेंज था, डिवाइड किससे करना है? तो कितने थे सिस्टर? रिया और सिया, 2 लोग थे। कितने लोग थे? 2। 6/2, ठीक है, 6/2। चलो अब हम डिवाइड करते हैं, ओके। हमने डिवाइड किया, देखो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जो डिवीजन होता है ना, जो डिवाइड का साइन होता है, उसके आगे जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। और इस डिवीजन साइन के बाद जो नंबर होता है उसे हम डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डिवाइजर, ओके। डिविडेंड आगे, डिवाइजर पीछे, डिविडेंड आगे, डिवाइजर पीछे। तो ये हम डिवीजन जब हम करेंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, और डिविडेंड जो होता है वो अंदर होता है। डिविडेंड को हम हमेशा अंदर लिखते हैं, डिवाइजर को बाहर लिखते हैं, ठीक है। डिविडेंड आगे और डिवाइजर पीछे। डिविडेंड वाला जो नंबर होता है वो अंदर होता है, डिवाइजर बाहर होता है। तो 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 जा, देखो 2 यहाँ पे है, 3 को हम क्या लिखें? 2 को हम जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 को हम नीचे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे। 6 से 6 को माइनस किया, आंसर क्या आया? 0, ठीक है। तो बच्चों, ये जो हम ऊपर है इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन, QUOTIENT, क्वेश्चन। और इसे हम क्या बोलते हैं? जो नीचे होता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है 6, डिवाइजर क्या है? 2, क्वेश्चन 3, रिमाइंडर है हमारा 0, ठीक है। तो याद कैसे रखो बच्चों? आप लोग कैसे याद रखोगे? डिविडेंड अंदर, डिवाइजर बाहर, ऊपर क्वेश्चन, नीचे रिमाइंडर। डिविडेंड अंदर, डिवाइजर बाहर, ऊपर क्वेश्चन, नीचे रिमाइंडर, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, इसे अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? 9 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9/3, तो 9 हमारा क्या है बच्चों? मैंने क्या बोला था? डिवीजन साइन से पहले जो नंबर होता है, ये डिवीजन साइन है ना, इसके पहले जो नंबर होता है वो हमेशा डिविडेंड होता है, और
इसके बाद में जो नंबर होता है वो डिवाइजर होता है, ठीक है, डिवाइजर। ओके, तो अब हम डिवाइड करेंगे 9 को किसके साथ, डिविडेंड। मैंने क्या बोला था, डिविडेंड अंदर, डिवाइजर बाहर। डिवाइजर है 3, डिविडेंड है 9, ठीक है। तो 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट माइनस करेंगे, 9 माइनस 9 0 होता है, ठीक है। तो बच्चों डिविडेंड हमारा क्या है, डिविडेंड हमारा 9 है ना, और डिवाइजर हमारा क्या है, डिवाइजर हमारा 3 है। क्वेश्चन हमारा 3 है और रिमाइंडर क्या आया, 0। क्या बोला था, अंदर डिविडेंड, बाहर डिवाइजर, ऊपर क्वेश्चन, नीचे रिमाइंडर। तो बच्चों हम और क्या चीज कर सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन फिर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो बच्चों डिविडेंड हमारा क्या है, डिविडेंड हमारा 9 है, ठीक है। डिवाइजर कितना है, डिवाइजर हमारा 3 है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 3 है, यहाँ पे क्या साइन है, इनटू है, इनटू 3, फिर क्या साइन है, प्लस है, रिमाइंडर हमारा 0 है। यहाँ पे 9 लिखो, 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, 9 प्लस 0, तो यहाँ पे 9 लिखा हमने, 9 प्लस 0 को करने से क्या आता है, 9 आता है। तो बच्चों देखो 9 इज इक्वल टू 9 इक्वल हुआ ना, यानी हमारा ये डिवीजन करेक्ट है, ठीक है। हमेशा याद रखना इस फॉर्मूले को, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, याद रखना बच्चों इसको, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 डिवाइड बाय 4। तो बच्चों हमें तो पता ही है 11 हमारा क्या है, 11 हमारा डिविडेंड है और 4 क्या है, 4 हमारा डिवाइजर है, ठीक है। अब तो स्टूडेंट डिविडेंड है हमारा 11, तो हम 11 को अंदर लिखेंगे और डिवाइजर है हमारा 4, तो 4 हम बाहर लिखेंगे। तो बच्चों चलो हम 4 का यहाँ पे टेबल लिखते हैं, ठीक है। 4 वन जा 4 होता है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 4 का टेबल लिखा है ना, 4 वन जा 4 होता है, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16। बच्चों हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए। अब 4 के टेबल में तो 11 आता नहीं है, है कि नहीं। 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16। बच्चों 12 और 16 ये 11 से बड़ा है, तो हम जो नंबर डिविडेंड से बड़ा जो नंबर होता है, ठीक है, डिविडेंड से जो बड़ा नंबर होता है हम वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करें, लिखना पड़ेगा 11 से जो नंबर छोटा होगा और जो 4 के टेबल में आता है वो हमें लिखना होगा। तो बच्चों ठीक है, छोटा नंबर क्या है, 4 और 8, लेकिन 11 के सबसे करीब कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है जो 11 के सबसे पास है, जो सबसे नियर है, तो कौन सा है, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 लिखेंगे बच्चों हम। अब 11 को हम 8 के साथ माइनस करेंगे तो कितना होता है, 11 को करो, ये रहा 11 और यहाँ पे 8 को माइनस करो, कितना बचा, 1 टू 3, आंसर है 3, यानी रिमाइंडर है हमारा 3 और क्वेश्चन है हमारा 2, ठीक है बच्चों। देखो तो बच्चों ये समझ में आया ना, ये डिवीजन हमने कैसे किया, हमने देखा कि 4 के टेबल में 11 नहीं आता है, ठीक है। और ठीक है, जब हम 3 से जाते हैं, 4 थ्री जा 12, इसके बाद से जो भी नंबर है वो 11 से बड़ा है,
और हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 11 से छोटा है। तो बच्चों 4 और 8 ये दोनों 11 से छोटा है, लेकिन 11 के सबसे पास कौन सा नंबर है? 8 है। तो 8 किसके 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 8 आता है? 4 2 8 हमने लिखा, फिर 11 को 8 के साथ माइनस किया तो हमारा आंसर रिमाइंडर क्या निकला? 3। अब 4 के टेबल में तो 3 आता नहीं है, 4 1 4 ही होता है, तो बच्चों यहीं पे हमारा डिवीजन खत्म होता है, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 4 आता नहीं है, है ना, तो इसलिए अब हम इसको और डिवाइड नहीं कर सकते, हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों डिविडेंड है हमारा 11, डिवाइजर है हमारा 4, क्वेश्चन है हमारा 2 और रिमाइंडर हमारा क्या है? 3, ठीक है। तो बच्चों डिविडेंड हमारा क्या है? 11। फिर उसके बाद अभी हम देखेंगे, ठीक है, डिविडेंड के साथ हमारा ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो डिवाइजर है हमारा 4, उसके बाद क्या है? इनटू, मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 है ना, 2 लिखो, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है? 3 है हमारा, यहाँ पे 11 लिखा, फिर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 1 4 4 2 8 8, फिर प्लस 3, 11 किया, 8 को 3 के साथ प्लस करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 3 1 2 3, यानी 9 10 11, आंसर है 11। देखो बच्चों ये और ये मैच हुआ ना, 11 11, तो यही पे हमारा ये खत्म हो जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखना डिविडेंड क्या है? इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसमें अब आपका क्या करना है स्टूडेंट? 10 को 6 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। तो बच्चों हमें पता है डिविडेंड हमारा है 10, डिवाइजर हमारा 6 है, ठीक है। तो बच्चों चलो 6 का टेबल लिखते हैं, क्या होता है 6 के टेबल में? तो बच्चों मैंने 6 का टेबल लिखा, 6 1 6 6 2 12 6 3 18। बच्चों हमें चाहिए 10, क्या 6 के टेबल में 10 आता है? नहीं, क्या क्या आता है? 6, 12 और 18 आता है। 12 और 18 तो 10 से बड़ा है, तो अब 10 से छोटा नंबर कौन सा है? 6 है, 6 1 6। तो बच्चों क्या होगा? 6 1 हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही एक नंबर है जो 10 से छोटा है, बाकी सब 10 से बड़ा है। अब हम 10 को 6 के साथ माइनस करेंगे, 10 को 6 के साथ माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दे, कितना बचा? 1 2 3 4। तो बच्चों 4 है हमारा रिमाइंडर। तो बच्चों अभी हम क्या लिखेंगे? डिविडेंड क्या है हमारा? डिविडेंड है हमारा 10, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है? 6 है, क्वेश्चन 1 है, रिमाइंडर कितना आया हमारा? 4 आया, ठीक है, 10 लिखा, 6 1 6 होता है, प्लस अब हमें क्या करना है? 4 करना है, 10 लिखा, 6 को 4 के साथ प्लस करो, 1 2 3 4 5 6, अब प्लस 4 करो, 1 2 3 4, कितना आया? 10 आया आंसर। देखो बच्चों ये मैच हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये हमारा डिवीजन सही है, ठीक है।